ले जाओ, फिलहाल मेधा का ये सामान ले जाओ और उसका बाकी जो नामो निशान इस घर में बचा है वो भी बहुत जल्द पैक करवा के मैं उसके खेतरी के होटल रूम में भिजवा दूंगा। और हाँ, उससे कह देना कि आइंदा वो इस घर का रुख कभी ना करे, क्योंकि जो सामान मैं भिजवाने वाला हूं उसमें उसका इस घर से हर रिश्ता हर ताल्लुक लौटा दिया जाएगा और फिर बड़े सुकून से वो खेतरी में बैठकर अपनी नई दोस्ती निभा पाएगी। तुम अब हद कर रहे हो ऋषभ, मेधा खेतरी जिसकी मदद के लिए गई है वो तुम्हारा भी कुछ लगता है? हाँ, वो मेरा भी कुछ लगता है, पर इस सबसे बड़ा दुश्मन है वो मेरा, जिसकी दोस्ती निभाने के लिए मेरी बीवी मेधा वहां खेतरी में बैठी हुई है। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब यह है मां कि आज मैं मेधा से अपना हर रिश्ता तोड़ता हूं। होश में तो हो? मेधा के बारे में कैसी बातें करे तुम? होश में तो तुम नहीं हो मां, तुम शायद भूल गई हो कि मेधा वही औरत है जो तुम्हें फूटी आंख नहीं भाती थी, लेकिन आज तुम उसकी तरफदारी कर रही क्योंकि वो तुम्हारे लाडले करण का केस लड़ रही है। करण ने जो कुछ भी किया तुम्हारी भलाई के लिए ही किया ऋषभ। वाह, क्या मेहरबानी है जिससे हमारा दम ही निकल गया। और वैसे भी गायत्री, तुम्हारा करण के नाम के भजन गाना बहुत लाजमी है, क्योंकि तुम दोनों का ही जन्म एक पाप का नतीजा है। शट अप! करण ने मेरे कोख से जन्म लिया है और तू अपनी ही मां पे कीचड़ उछाल रहा। मां, करण के जन्म में तुम्हारा कितना पाप था और कितना पुण्य ये तुम अच्छी तरह जानती हो, और इस बात पर हम बरसों से बहस कर रहे हैं, कीचड़ उछाल रहे हैं। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, करण का जन्म मेरे लिए तुम्हारा पुण्य कभी भी नहीं था। हां, ये और बात है कि तुम्हारा वो पाप मैं माफ कर चुका था। और हां गायत्री, थैंक यू वेरी मच, ये है मेधा की चेकबुक। मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूं जो आज तुमने मेधा से मेरा हर ताल्लुक तोड़वा दिया। थैंक यू वेरी मच, आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल।